जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हंसराज सिंह और आप आज हम देखने वाले हैं एनसीसी नोट्स की 20वीं नंबर की वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मानचित्र का अध्ययन यानी कि मैप रीडिंग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में 100% आता है। तो चलिए देखते हैं मैप की परिभाषा। मानचित्र पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग का चौराहे सतह पर सांकेतिक चिन्हों द्वारा बना हुआ वह चित्र होता है जो किसी निर्धारित मापक पर भूभाग को उस रूप में प्रदर्शित करता है जिस रूप में वह किसी वायुयान चालक को ऊपर से दिखाई देता है। एक डेफिनेशन तो ये हो गई है। चलिए देखते हैं कुछ और इसकी डेफिनेशंस। कागज का वह टुकड़ा जिस पर मापक पैमाने के द्वारा जमीन के किसी निश्चित भूभाग पर स्थित आकृतियों का वर्णन किया जाता है मानचित्र कहलाता है। ये थोड़ी सी शॉर्ट डेफिनेशन है लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन। जमीनी इलाके को किसी निश्चित स्केल में और आकृतियों को निश्चित चिन्हों द्वारा कागज पर चित्रित किया जाता है। इस कागज को मानचित्र या मैप कहते हैं। तो ये आप लोगों ने तीन जो इसकी परिभाषाएं देखी हैं, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए और जब भी आप वीडियो देखें तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट है उसको आप अलग से नोट डाउन कर सकें। नेक्स्ट है मानचित्र का उपयोग यानी कि यूज ऑफ मैप। इसका किस किस स्थान पर और किस परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर एक है स्वयं की स्थिति का पता लगाने के लिए। जैसे आप किसी भी स्थान पर जाते हैं, ट्रैकिंग हो, चाहे आप जंगल में जा रहे हो, और यदि आप खो जाते हैं या फिर आपको अपनी स्थिति का पता नहीं होता है तो आप मैप का सहारा ले सकते हैं। उस टाइम कैसे आप मैप का सहारा लेंगे? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आसपास कोई मानव निर्मित या फिर प्राकृतिक वस्तु कोई हो जिसको आप देख करके मैप पर प्लांट करेंगे। मैप पर कैसे आपको देखना है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक ट्यूबवेल दिखाई दे रही है तथा आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले उसकी आप डायरेक्शन देखेंगे कि किस डायरेक्शन में क्या है। जैसे मंदिर है तो मंदिर किस डायरेक्शन में है। जैसे मंदिर अगर लेफ्ट में है और अगर ट्यूबवेल आपके राइट में है तो आप देखेंगे कि अगर मैप पर भी ये उसी डायरेक्शन में है तो आप अपनी लोकेशन का पता लगा पाएंगे। इसी तरीके से अन्य भी कोई वस्तु हो सकती है आपके पास। तो सबसे पहले आपको जमीन के चिन्हों को देखना है। जमीन पर जैसे ही आप पता कर लेंगे तो आप मैप पर आसानी से उसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर टू, प्राकृतिक वस्तुओं एवं मानव निर्मित वस्तुओं की जानकारी। यदि आपको किसी वस्तु की जानकारी नहीं है तो और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये चीज़ क्या है तो आप उसको जमीन पर देख करके मैप से मिलाएंगे तो मैप पर उसमें जो चिन्ह बना हुआ है उससे आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका चिन्ह एक जैसा होता है और दूर से देखने पर वो समझ में नहीं आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर थर्ड है जंगल में रास्ता खोजना। जंगल में जैसा कि मैंने बताया आपको, यदि आप भटक जाते हैं और आपको रास्ता मालूम नहीं है तो उसमें मैप की सहायता से आप ये देख सकते हैं कि अब हमें कहाँ जाना है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है ना, और किस डायरेक्शन में हम आ रहे थे और किस डायरेक्शन में हमें जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर, नाइट मार्च में सहायक। देखिए दिन और रात की कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है। दिन में मैप का सहारा लेना थोड़ा सा सरल होता है अपेक्षाकृत रात के, क्योंकि रात में हालात बिल्कुल भी बदल जाते हैं और मैप का सहारा लेना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। इसलिए रात में केवल उन्हीं चीज़ों का सहारा लिया जा सकता है जहाँ पर कुछ उजेला हो, और जैसे कि मंदिर है, मंदिर पर कोई लाइट जल रही है या फिर कोई लाइट हाउस आपको दिखाई दे रहा है तो उसका आप लोग सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है
MB यानी कि मैग्नेटिक बैरिंग को GB यानी कि ग्रिड बैरिंग में बदलने के लिए दो घटाते हैं। यहां पर जो MB और GB दिया हुआ है, इसका मतलब मेगावाइट और गीगावाइट नहीं है, इसका मतलब है मैग्नेटिक बैरिंग और ग्रिड बैरिंग। इस चीज का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म आ सकता है MB का मीन्स मैग्नेटिक बैरिंग, और ग्रिड बैरिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या है? GV। नेक्स्ट है मानचित्र के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के मानचित्र होते हैं वो भी देख लेते हैं। मानचित्र हमारे 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मैप। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। तीसरा है आर्थिक मानचित्र। चौथा है ऐतिहासिक मानचित्र। पांचवा है सांख्यिक मानचित्र। छठवां है सैनिक मानचित्र। इसी तरीके से इनका जिन जो भी हमें महत्वपूर्ण है उनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। जैसे कि सैनिक मानचित्र है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और थोड़ा बहुत हम प्राकृतिक मानचित्र भी देख लेते हैं, बाकी मानचित्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए देखते हैं सांकेतिक चिन्ह क्या है, यानी कि कन्वेंशनल लाइंस, जो कन्वेंशनल साइंस होते हैं। इसमें साइंस की स्पेलिंग जरा आप लोग ध्यान करिएगा, इसमें साइन की स्पेलिंग है SIGNS। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है बनावटी और धरातलीय आकृतियों को मानचित्र और स्क्रैच पर प्रकट करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा निश्चित किए गए चिन्हों को सांकेतिक चिन्ह या कन्वेंशनल साइन कहते हैं। ये तो हो गया, इसका अर्थ हो गया। और यदि इसमें डेफिनेशन पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है सांकेतिक चिन्हों की, तो इसी को आप लिख सकते हैं उसमें, इसको आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में। और यदि पूछा जाए कि इसको कौन निर्धारित करता है, तो सांकेतिक चिन्हों को निर्धारित करने का काम करता है सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रंगों का प्रयोग। रंगों का किस तरीके का प्रयोग होता है? आप लोग देखा होगा कि मैप जो होता है वो कलर्ड होता है, और कलर्ड मैप में किन किन रंगों का प्रयोग किया जाता है और किस चीज के लिए किया जाता है? मानचित्र पर भौगोलिक वस्तुओं को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला तथा लाल रंग, यह किया जाता है मानव निर्मित वस्तुओं के लिए। जो ये ब्लैक और रेड कलर है, इसका यूज किया जाता है मानव निर्मित वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट है नीला रंग यानी कि ब्लू कलर, जो है वो समस्त जलीय आकृतियों के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, कोई भी जलधारा है, नदी है या तालाब है, कोई भी आपको वाटर बॉडी है, तो उसका कैसा कलर होगा? ब्लू कलर। नेक्स्ट है ग्रीन, हरा रंग। हरा रंग जो होगा वो आपका वनस्पति के लिए होगा, किसी भी तरीके की वनस्पति हो तो उसके लिए हरा रंग यूज करते हैं। नेक्स्ट है भूरा रंग। भूरा रंग करते हैं धरातलीय आकृतियों के लिए, जो धरातल पर आकृतियां होती हैं उनके लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पीला रंग। पीला रंग यानी कि येलो कलर। येलो कलर किसके लिए यूज होता है? कृषि वाली भूमि के लिए। कृषि वाली भूमि के लिए याद रखिएगा, इसमें आप लोग ग्रीन कलर ना लिख देना। यदि एग्जाम में पूछा जाता है पीला रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो यहाँ पर आपको कृषि भूमि के लिए किया जाता है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। नेक्स्ट है प्रमुख सांकेतिक चिन्ह, मेन कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं? मानचित्रों में विभिन्न विवरणों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें परंपरागत चिन्ह या ऋण चिन्ह कहते हैं। इन परंपरागत चिन्हों का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं इस डेफिनेशन में, तो देख लीजिए। कुछ निश्चित चिन्ह यानी कि जो सिलेक्टेड साइन होते हैं उन्हीं का यूज केवल मैप में किया जाता है, इसके अलावा हम लोग मन से कोई भी चिन्ह नहीं बना सकते। दूसरी बात इसमें क्या आती है, ये परंपरागत और ऋण चिन्ह होते हैं। तीसरी बात इसमें क्या आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए जाते हैं,
यानी कि इंटरनेशनली जो डिसाइड होता है उन्हीं के चिन्हों को केवल मैप पर यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया का अलग है कोई साइन और अमेरिका का कोई अलग साइन है, इस तरीके से नहीं होता है। तो जितने भी इंटरनेशनल मैप होते हैं सभी पर एक जैसे साइन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप लोग केवल छोटे स्तर का जो मैप अध्ययन करेंगे उस स्तर से आपको याद करने हैं। और जो मेन कन्वेंशनल साइंस होते हैं आइए उनको भी देख लेते हैं थोड़ा। नंबर एक है मंदिर। तो कोई भी स्ट्रक्चर आपको यदि देखना है, इमारत है, तो इमारत को कैसे आप पहचानें, कैसे उनमें डिफरेंस करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपको देखना होगा इसके ऊपरी वाला भाग, ऊपर वाले हिस्से से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से इसको बनाना है। कुछ चीज़ों के ऊपरी भाग एक जैसे मिलेंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट देखना है इसका निचला भाग। तो ये दोनों चीज़ें देखेंगे आप लोग तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इनका डिफरेंस। और इनको याद करने का सही तरीका क्या है कि इसको आप बना के देखिए, पेन और कॉपी पर इसको बनाइए आप, तो आप लोगों को जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है चर्च। नेक्स्ट है चर्च। चर्च का तो आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं और बना भी सकते हैं, क्योंकि इसका सबसे बढ़िया आइडिया ये है कि इस पर एक क्रॉस का साइन होता है, यानी कि प्लस का साइन इस पर होता है। नेक्स्ट है तीसरा मस्जिद। मस्जिद में देखिए ऊपर की तरफ ये गुंबद बना हुआ है और नीचे की तरफ भी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है मकबरा। मकबरा में देखिए ऊपर का ये तो सेम है मस्जिद की तरह ही, लेकिन इसका नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट है पैगोड़ा। पैगोड़ा में देखिए ऊपर किस तरीके का साइन बना हुआ है। नेक्स्ट है बांस का पेड़। जो बांस के पेड़ हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है समोच्च रेखा। 42 नंबर का है समोच्च रेखा। तो इनको हम क्रम से नहीं देख रहे हैं, वैसे ही हम लोग देखते चले जा रहे हैं। समोच्च रेखा हो गया। नेक्स्ट है खंड रेखाएं। खंड रेखाएं इस तरीके के बनी होती हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर होता है और डॉटेड लाइंस होती हैं। नेक्स्ट है ट्रिग्नोपेट्रिकल स्टेशन ऊंचाई शहद। जो इसके साथ में जो लिखा हुआ है ये 200, ये क्या है उसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है बीएम 200। 200 इसलिए लिखा है क्योंकि ये ऊंचाई है, उसमें ऊंचाई ऐड करके लिखी गई है, और बीएम का मतलब होता है बेंच मार्क। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है ईदगाह। ईदगाह देखिए इसमें ऊपर में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना है। नेक्स्ट है छतरी। छतरी सिंपल सी है, कोई इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है। और फिर है सर्वेक्षित ग्राम। नेक्स्ट है किला। किला बहुत ही सिंपल है और कुछ नहीं करना है इसके लिए। सबसे पहले आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे और इसके चारों जो कोने होंगे उनको गोल कर देंगे आप इस तरीके से, तो आसानी से आपका किला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वेक्षित गढ़। ये सर्वेक्षित गढ़ हो गया आपका। आपको पहले जिस तरीके से किला आपको चौकोर बनाना है उसी तरीके से आप पहले ये गोला बनाएंगे, फिर उसमें आप लोग निशान ये वाले बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट है सी एच। सी एच मीन्स सर्किट हाउस। सी फॉर सर्किट, एच फॉर हाउस, सर्किट हाउस हो गया। नेक्स्ट है आपका डाक बंगला। डाक बंगला के लिए डीवी और टीवी। अब डाक बंगला तो समझ में आ गया, लेकिन टीवी का मतलब क्या होता है? टी का मतलब तार, यानी कि डाक बंगला अथवा तार बंगला, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, डाक एवं तार बंगला। नेक्स्ट है आपका आर एच। आर एच मीन्स रेस्ट हाउस। सिंपल सा, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है और इसमें सीधा सीधा उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ऐसे ही पुलिस स्टेशन होता है, पी एस का मीन्स पुलिस स्टेशन। ऐसा ही क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, पीओ का पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट देख लेते हैं युद्ध स्थल।
युद्ध स्थल भी सिंपल है, दो तलवारें आपको बनानी है इस तरीके से, ये हो गया आपका युद्ध स्थल यानी कि वॉर एरिया। नेक्स्ट है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में भी सिंपल है, तेल का कुआं भी देख लीजिए, पहले एक गोला है तेल के कुएं के लिए, उसमें प्लस का साइन बना दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है खान, ये भी सिंपल है, इसमें पहले एक गोला बनाया उसको फिल कर दिया ब्लैक कलर से। नेक्स्ट है राइफल यानी कि निशानेबाजी का क्षेत्र, ये रेंज बनी हुई है एक, इसी तरीके से रेंज होती है यदि आप लोगों ने देखी होगी तो, पहले ये तिरछी दीवारें होती हैं और एक स्ट्रेट वॉल होती है। नेक्स्ट है तार घर यानी कि TO। नेक्स्ट RF यानी कि सुरक्षित वन, सुरक्षित वन, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, RF का फुल फॉर्म है रिजर्व्ड फॉरेस्ट। नेक्स्ट है IB, इंस्पेक्शन बंगला, कैनाल मीन्स नहर। नेक्स्ट है DUAR, शासकीय बस्ती। नेक्स्ट है ये थोड़ा प्रिंट ठीक से नहीं है, शायद पाला लिखा हुआ है, PALA, आदिवासी बस्ती। नेक्स्ट है हवाई अड्डा, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सी लाइन खींचनी है, उस पर एक गोला बनाना है अर्धचंद्राकार, उसमें नीचे से इस तरीके से बना दिया, ओके आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज उतरने की पट्टी यानी कि रनवे है। और नेक्स्ट है कुआ, कुआ सिंपल है बिल्कुल, एक गोला बना दीजिए हो गया कुआ। नेक्स्ट है झरना, झरने के लिए कुछ नहीं करना है प्लस का साइन, लेकिन ये ध्यान रखना कि कोई भी इसमें जो जितनी लंबाई की आप हॉरिजॉन्टल बनाएंगे उतनी ही वर्टिकल रहेगी, दोनों एक समान रहेगी लंबाई में। नेक्स्ट है पाइपलाइन, ये देखिए पाइप के स्ट्रक्चर बने हुए तीन और इसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से क्रॉस कर दिया गया है। नेक्स्ट है सीमाएं, सीमाएं देख लीजिए ये भी डॉटेड लाइन्स हैं। घंटाघर, ये घंटाघर भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें बनाने में। नेक्स्ट है रेलवे लाइन पर सड़क, अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, जो रेलवे लाइन है वो बीच में कटी हुई है और जो सड़क आ रही है वो कंटिन्यू है, इसलिए रेलवे लाइन पर सड़क कहा जाएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट इसमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट में, इसमें क्या है सड़क पर रेलवे लाइन, अब इसमें सड़क कटी हुई है इसलिए क्या कहा जाएगा सड़क पर रेलवे लाइन। इनको भी आप लोग बना के देख लीजिए तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा, वरना देखने से केवल हवा में उड़ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पगडंडी पुल सहित, कहीं कहीं आप लोग ये निशान लगे हुए देख रहे होंगे, इनका मतलब इम्पोर्टेंट है और आप लोग भी निशान लगाते जाइए क्योंकि इनके आने की संभावनाएं अधिक होती हैं। पगडंडी पुल सहित। नेक्स्ट है पक्का तालाब, पक्का तालाब कुछ नहीं करना है आपको, एक आयत बना देना है बस। नेक्स्ट है अति गहरा तालाब, फिर है दलदल, फिर है सदा प्रवाहित नदी। नेक्स्ट है शुष्क नदी, शुष्क नदी में देखिए आप बीच में डॉटेड लाइंस डॉट 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 है, इस तरीके से आपको शुष्क नदी बनाना है। नेक्स्ट है वायु बमबारी स्थल, फिर आता है अगला आपका सिंचाई बांध। नेक्स्ट है समुद्र तट, इसके बाद स्टीमर मार्ग, फिर है प्रकाश स्तंभ, इसको अंग्रेजी में आप लोग लाइट हाउस भी बोल सकते हैं प्रकाश स्तंभ को। नेक्स्ट है पक्का बांध, फिर है कच्चा बांध, फिर है रेलवे लाइन, रेलवे लाइन पक्का एक आएगी, इसको आप लोग ध्यान रखिए, रेलवे लाइन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इस तरीके से साइन बना दिया जाएगा, उसके आगे आपको फिल करना पड़ेगा किस चीज का साइन है, ये रेलवे लाइन खाली आ सकती है या फिर पुल सहित आ सकती है या फिर सड़क सहित आ सकती है या फिर स्टेशन सहित आ सकती है, कोई भी एक जरूर आएगी। नेक्स्ट है छोटी लाइन डबल, लोहे के तार की सीमा,
तार फेंसिंग है ये। नेक्स्ट है सर्वेक्षित अंतरराष्ट्रीय सीमा, असर्वेक्षित अंतरराष्ट्रीय सीमा। नेक्स्ट है राज्य सीमा। नेक्स्ट है जिला सीमा, स्टेट बॉर्डर एंड डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर। नेक्स्ट है आपका छोटी लाइन, ये सिंगल रेलवे लाइन है। नेक्स्ट है टेलीफोन लाइन, ये पक्की सड़क, ये कच्ची सड़क। इसके बाद आती है पगडंडी, तहसील सीमा, सीमा का पत्थर। नेक्स्ट है ट्रांबे मार्ग, पहाड़ी झील, बालू के टीले। नेक्स्ट है नदी पर सड़क का पुल, नाव का पुल, बाग, घास। अब इसमें देखने की बात क्या है, एक डिफरेंस आपको पता करना पड़ेगा कि बांस और घास में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग देखिए, यदि बांस आता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा, गोलाईदार स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके से बनेगा वो। लेकिन यदि घास की बात करी जाए तो इसमें स्ट्रेट रहेगा, लाइंस ये स्ट्रेट रहेंगी। ठीक है, इस तरीके से इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है खजूर का पेड़, रेलवे सुरंग, खड्ड में होकर सड़क, लंगर, बेंचमार्क, कच्ची झील। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे कौन कौन से सांकेतिक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीबी को एमबी में बदलने के लिए प्लस टू करते हैं, यानी कि मैप से ग्राउंड पर जाना है तो प्लस टू करेंगे, और यदि इसका उल्टा देखा जाए, ग्राउंड से मैप पर जाना हो तो क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, जहां हम प्लस कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहां पर माइनस हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए, मैप टू ग्राउंड में क्या करेंगे, प्लस टू, और ग्राउंड टू मैप में क्या करेंगे, माइनस टू। ओके, नेक्स्ट है सर्विस प्रोटेक्टर, इसकी साइज पूछ ली जाती है कभी कभी, साइज इसके देख लीजिए ध्यान से, 6 x 2 इंच, 6 इंच इसकी लंबाई होती है और 2 इंच इसकी चौड़ाई होती है। नेक्स्ट है पैमाना, पैमाना भी आप लोग देख लीजिए जरा, इसको नोट कर लीजिए सब चीजें। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सैनिक सांकेतिक चिन्ह। सैनिक सांकेतिक चिन्हों में क्या क्या आता है, सेक्शन, सेक्शन में एक डॉट रहेगी, प्लाटून में 3 डॉट रहेंगी जो कि फील्ड रहेंगी। फिर आती है आपकी कंपनी, बैटरी या स्क्वाड्रन। फिर है आपका बटालियन या रेजिमेंट। फिर है आपका पैदल सेना या इन्फेंट्री। फिर है पैदल सेक्शन, इन्फेंट्री सेक्शन। नेक्स्ट है आपका पैदल प्लाटून, यानी कि इन्फेंट्री प्लाटून। नेक्स्ट है पैदल कंपनी, इन्फेंट्री कंपनी। नेक्स्ट है पैदल बटालियन, इन्फेंट्री बटालियन। जो पैदल सेना होती है उसको क्या कहा जाता है, इन्फेंट्री, इसीलिए यहां पर प्रयोग किया गया है इन्फेंट्री शब्द। नेक्स्ट है पैदल ब्रिगेड, इन्फेंट्री ब्रिगेड। नेक्स्ट है पैदल डिवीजन 12 कोर, इन्फेंट्री डिवीजन 12 कोर्स। नेक्स्ट है फील्ड बैटरी। नेक्स्ट है ब्रिगेड, डिवीजन, कोर्प्स, आर्मी ग्रुप। अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह किस तरीके के होते हैं, मशीन गन, वायु विरोधी, वायुयान विरोधी, मशीन गन। यहां पर जो ए लिखा है इसका मतलब है एंटी एयर मशीन गन, एंटी एयर मशीन गन।
इसको एंटी एयरक्राफ्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मोर्टार। मोर्टार नेक्स्ट है तोप, आर्टिलरी गन, होबित्जर यानी कि आर्टिलरी होबित्जर, टैंक विरोधी, एंटी टैंक वेपन, एंटी टैंक वेपन। नेक्स्ट है टैंक विरोधी तोप, आर्टिलरी एंटी टैंक। नेक्स्ट है टैंक। ये जो निशान लगे हुए हैं ये आप लोग जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इनके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से ये सैनिक सांकेतिक चिन्ह वही हैं जो अपन लोग ऊपर डिस्कस करके आए हुए हैं। तो ये थी हमारी वीडियो मैप रीडिंग को लेकर के, और मैप रीडिंग एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, इसलिए अगली वीडियो में भी हम लोग मैप रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं, और इसमें आगे की क्या डेफिनेशंस होती हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ को आप लोग कार्रवाई कीजिए, जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और भी जो भी तरीका आपका सही हो वो आप करिए, नोट्स अपने तरीके से बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।